अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बैच प्लांट में मटेरियल वगैरह कैसे मिक्स करते हैं। ये हमारे पास स्टोरेज मटेरियल है, यार्ड है, जहाँ से सैंड एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स और क्रश्ड सैंड ली गई है। हमने मिक्स डिज़ाइन ऑलरेडी किया है और हमारे मिक्स डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है 40 MPa 28 डे स्ट्रेंथ पे। यहाँ से हम मटेरियल लोड करते हैं होपर में और यहाँ से होपर आगे 4 पोर्शन में डिवाइड कर देता है, जिसमें एग्रीगेट्स, कोर्स और फाइन और सैंड, क्रश्ड और हमारे पास नेचुरल सैंड जो मौजूद होती है वो इन बड़े होपर्स में चली जाती है और 4 हिस्सेज में, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद हमारे पास साइलोस में सीमेंट मौजूद है यहाँ पे और इनकी कैपेसिटी 200 टन है और वहाँ से सीमेंट लिया जाता है। साथ में हमारे पास कुछ एडमिक्सचर्स हैं, उनकी क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए अंदर टावर मौजूद है, टावर में ऑपरेटर इसे कंट्रोल करेगा और यहाँ पे हमारे पास वो स्टोर्ड होते हैं जो एडमिक्सचर्स वगैरह हमने ऐड करने हैं ताकि उसका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा प्लस माइनस किया जा सके। और जैसे कि मिक्स होगा फिर वहाँ से जब 11 मिनट के लिए मिक्सिंग करते हैं, 10 to 11 minutes फॉर ईच बैच ट्रांजिट मिक्सर अबाउट 10 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी, और यहाँ से ट्रांजिट मिक्सर में बाद में फिल कर दी जाती है। एंड वी विल बी शोइंग यू हाउ दे आर गोइंग टू मिक्स एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फर्दर। ये ऊपर होपर लगा हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि कौन सा मटेरियल कहाँ स्टोर्ड है, उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और यहाँ से मीटर हो रहा है। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे और सारी चीज़ें मिक्स कंट्रोल करेंगे। यहाँ से ट्रांजिट मिक्सर आ गया है 10 मिनट की मिक्सिंग के लिए, बाद में हम लोडिंग करेंगे केमिकल्स। ऑटोमेटेड जहाँ से मटेरियल इनसाइड जा रहा है, ये एग्रीगेट्स, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स होपर्स में से। ये प्रोसीजर ऑपरेट हो रहा है। Not mixing over there. Mixer related. Mixer. Okay. 12 13 12 or 13 yeah not less than 90 not more than 160 if more than 160 maybe low no 9 low 2 low 12 13 okay why on may I go